सबसे पहले हम बात करेंगे एंजिलॉन लिमिटेड के बारे में। अगर हम आज के दिन की बात करें तो लगभग हाफ परसेंट की तेजी और शुरुआत में हमें एक बहुत अच्छे खासा गैप अप देखने को मिला था। उसके बाद टॉप लेवल से थोड़े बहुत हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिला। सो आज के दिन इस कंपनी में एक इम्पोर्टेंट न्यूज निकल के आया, और अगर हम उस न्यूज की बात करें तो कंपनी के जून मंथ के बिजनेस अपडेट। सो आप लोगों को बताया कि इस कंपनी के हर मंथली 4 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में कंपनी का हमें बिजनेस अपडेट देखने को मिल जाता है, और आज है 5 तारीख और आज के दिन मार्केट ओपन होने से पहले इस कंपनी का हमें जून मंथ के बिजनेस अपडेट देखने को मिला। सो कैसे रहे कंपनी के जून मंथ के बिजनेस अपडेट, ताकि हमें ये इंडिकेशन मिल सके कि 15 जुलाई को जो कंपनी के नंबर आने वाले वो किस प्रकार के नंबर हो सकता है। तो हम आ चुके डेटली इस टेबल के ऊपर, ताकि समझने में बहुत ही ईजी और बहुत ही जल्दी हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम क्लाइंट बेस की बात करें तो कंपनी के क्लाइंट बेस में कितनी ग्रोथ है, तो आप देख सकते हो कि पिछले साल पे सिर्फ 15 मिलियन, पिछले मंथ 24 मिलियन के आसपास, और इस जून क्वार्टर में लगभग 24.25 मिलियन के आसपास। तो मंथली लगभग 3.5% की जंप है, और रियली बेसिस देखा जाए तो क्लाइंट बेस में लगभग 64% की जंप है। बाकी ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, यानी कि इस मंथ में, इस जून मंथ में एंजिलॉन ने कितने न्यू प्लान उन्होंने ऐड किया, मतलब कितने लोगों ने एंजिलॉन के डीमेट अकाउंट के थ्रू अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया, तो वो नंबर आप देख सकते हो कि लगभग 0.94 मिलियन, पिछले मंथ 0.88 मिलियन, और एक साल पहले 0.48 मिलियन, जो कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 106% की जंप है, और रियली बेसिस देखा जाए तो 97% की जंप है। और बाकी एवरेज क्लाइंट फंडिंग बुक की बात करें, नंबर ऑफ ऑर्डर की बात करें, एवरेज डेली ऑर्डर की बात करें, यहाँ तक कि यूनिक म्यूचुअल फंड एसआईपी की बात करें, तो हर जगह पे मंथली साथ साथ ईयरली आपको अच्छे नजर आएगा। बट हमारा जो मेन फोकस है, अगर आपके पास ये स्टॉक है एंजिलॉन लिमिटेड, तो आपका पूरा फोकस जाना चाहिए इस टोटल क्लाइंट बेस के ऊपर, दूसरा ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन के ऊपर, कि कंपनी के टोटल क्लाइंट बेस क्या लगातार ग्रो हो रहा है, साथ साथ हर मंथली कंपनी कितनी ज्यादा न्यू क्लाइंट ऐड कर रहा है। अगर ये दोनों सेगमेंट अच्छा करता है तो ओवरऑल ये कंपनी अच्छे करेगा। अगर कंपनी अच्छे करेंगे तो स्टॉक प्राइस भी आपको अच्छे करते देखने को मिलेगा। बाकी और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात करें तो मार्केट शेयर। आपको पता है कि हर हर सेगमेंट, मतलब बहुत सारे सेगमेंट देखने को मिलता है, और उन सेगमेंट में इस कंपनी के कितने मार्केट शेयर हैं, तो सबसे पहले ओवरऑल इक्विटी की बात करें तो ओवरऑल इक्विटी में जो कंपनी के मार्केट शेयर है पिछले साल जून में लगभग 16.4% थे, इस साल लगभग 19% के आसपास, और पिछले मई में लगभग 19.2% मार्केट शेयर थे। तो याली देखोगे तो कंपनी के ओवरऑल इक्विटी में कंपनी के जो मार्केट शेयर है वो ग्रो हुआ है, बट अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखोगे तो आपको थोड़े बहुत डाउन नजर आएगा, बट ये चीजें अप्स एंड डाउन होता रहता है। देन अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की बात करें, एफएनओ सेगमेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शन, यानी कि जिससे कंपनी सबसे ज्यादा इनकम जनरेट करती है, तो उसमें अगर मार्केट शेयर की बात करें तो पिछले साल जून में लगभग ये डेटा 17% के आसपास कंपनी के टोटल मार्केट शेयर थे, और इस साल ग्रो होकर 20.7% के आसपास है, और पिछले मंथ 20.6% के आसपास है। तो अगर हम ईयरली बात करें, साथ साथ मंथली बात करें, कंपनी के जो एफएनओ सेगमेंट है, जो कंपनी के कोर सेगमेंट है, उनमें जो कंपनी के मार्केट शेयर अभी तक थे, उस मार्केट शेयर को कंपनी ने मेंटेन में रखा है, साथ साथ उस मार्केट शेयर को लगातार कंपनी ग्रोइंग मोड में लेके जा रहे हैं। तो कैसे रहे कंपनी के इस जून मंथ के बिजनेस अपडेट। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कंपनी के इस बार भी जो जून मंथ के बिजनेस अपडेट देखने को मिला, बहुत ही कमाल के और बहुत ही शानदार देखने को, जो कि यही चीज आपको न्यूज चैनल के ऊपर ऐसे हाईलाइट में देखने को मिल जाएगा, कि आज के दिन एंजिलॉन के स्टॉक में जो शुरुआत में आपको एक अच्छी रैली देखने को मिला, उसके पीछे का रीजन है कि कंपनी के जो क्लाइंट बेस है टोटल, उसमें 64% का हमें जम देखने को मिला, बहुत ही कमाल के हमें ग्रोथ देखने को मिला। लेकिन नेगेटिव पॉइंट है कि इतनी अच्छी खबर होने के बाद भी, इतने अच्छे डेटा दिखाने के बाद भी स्टॉक में रैली आता है, बट उस रैली को सस्टेन नहीं कर पाते। उसके पीछे का रीजन है कि बहुत बड़े अनसर्टेनिटी, मतलब एक तो इनके ऊपर एक बहुत बड़े थप्पा लग चुका है सेबी के साथ। पहले जो ये ब्रोकिंग वाली कंपनी, खासकर इस एंजिलॉन लिमिटेड, ज़ेरोधा, ग्रो, ऐसी कंपनी ज्यादा वॉल्यूम लाते थे ताकि उनको ज्यादा डिस्काउंट मिले एक्सचेंज के साइड से, बट सेबी ने ये पूरा मामला यूनिफॉर्म चार्जेस के ऊपर ला दिया कि आप कितने भी वॉल्यूम लाओ आपको सेम ही चार्जेस देने पड़ेंगे, जिनके चलते इन कंपनी की इनकम के ऊपर बहुत बड़े इम्पैक्ट पड़ा है। लगभग सेबी का ये मानना है कि इस यूनिफॉर्म चार्जेस के चलते इन डिस्काउंट ब्रोकिंग वाले के इनकम में लगभग टोटल 2000 करोड़ तक के उनके इनकम में बहुत बड़े इम्पैक्ट पड़ा है, जिनमें एंजिलॉन लिमिटेड FY24 में
इसी ट्रांजेक्शन चार्जेस से कंपनी ने 400 करोड़ तक की इनकम किया। तो भाई अब इस पूरे इनकम के ऊपर पूरी तरह से इम्पैक्ट आ चुका है, और जिसके चलते आपने देखा होगा कि स्टॉक भी 2 जुलाई को जैसे ही खबर निकल गया तो स्टॉक भी उस प्रकार के 2600 पे चलने वाले स्टॉक सीधा 2300 के करीब आ गए, जोरदार तरीके से गिरा है। 8 से लेकर 10% तक स्टॉक गिरा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी दोस्तों नॉर्मली गिरावट है। नॉर्मली मतलब स्टॉक वैसे देखो कि टॉप लेवल से 30-30, 40-40% डाउन है, लेकिन फिर भी एक चीज कहना चाहूंगा, कोई अगर इस टाइम पे इसको डिस्काउंट को देख के फ्रेश बाइंग करने के बारे में सोच रहा है तो पहले भी बोल चुका इसको इग्नोर करो। अभी इसमें दो इवेंट बाकी है। पहला इवेंट तो कंपनी के 15 जुलाई को नंबर है, क्योंकि उतने फोकस में नहीं रहेंगे, शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ा बहुत रिएक्शन हो सकता है। अगर अच्छे नंबर भी आ गए ना तो बहुत बड़े रैली की आने के चांसेस बहुत कम है। ऐसा क्योंकि जो सबसे बड़े इवेंट है जो सबके फोकस बना रहेगा वो बजट के ऊपर बना रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार की खबर निकल के आ रहे हैं कि अब डायरेक्टली एफएनओ सेगमेंट के ऊपर, एफएनओ ट्रेडर के ऊपर 30% के हायर टैक्स लगाया जा सकता है, उनको लॉटरी और एज अ क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से कंसिडर किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो वह पूरा बिजनेस ही एंजल उनका शॉर्ट टाइम के लिए बहुत बड़े इम्पैक्ट आ सकता है, और सीधा ये स्टॉक अभी जो 40% गिरा है या से और भी 20% एक ही झटके में गिर सकता है, और स्टॉक 2300 के स्टॉक एक ही दिन में 2000 के करीब भी जा सकता है। तो ये पॉइंट उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने अभी तक फेज बाई किया नहीं। अगर आपको जाना ही है तो बजट के बाद अगर आप डिसीजन लोगे तो आपके लिए बहुत ही सेफेस्ट ऑप्शन रहेगा। और मान लो ऐसा कुछ कुछ भी नहीं, कुछ भी नेगेटिव न्यूज नहीं आता इफ नॉट ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो इन स्टॉक को एक राहत मिलेगा और स्टॉक में धीमे धीमे करके आपको फिर से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। कंपनी बिल्कुल भी खराब नहीं है दोस्तों, पर जिस प्रकार के खबर निकल कर रहे हैं तो हमें भी उसी प्रकार के फोकस रखना पड़ेगा। तो इसलिए फ्रेज बैंक के लिए इग्नोर करो, एज अ पुराने इन्वेस्टर किसने टॉप पर बाई किया तो बजट तक रुक जाओ, पहले देखो बजट में किस प्रकार के अनाउंसमेंट आते हैं, उसके बाद आराम से इसके बारे में आप अपना डिस्कस आप कर सकते हो। तब तक आप स्टॉक को अपना वॉच लिस्ट में मतलब फोकस बना के रख सकते। देन अगला स्टॉक की बात करें BSE लिमिटेड। अगर हम आज के दिन की बात करें तो इसमें भी डेली बेस पे एक अच्छे खासे गिरावट, आज के दिन भी लगभग 2% 5 दिन में 8%, महीने भर में 10, 6 मंथ में देखोगे तो आज भी पॉजिटिव है। बट अगर हम टॉप लेवल से बात करें तो लगभग 25 से लेकर 26% डाउन, ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट डाउन, बहुत अच्छे डिस्काउंट है। तो क्या जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इससे कुछ दिन पहले जब ये एफनोस ट्रेडिंग के ऊपर जो टैक्स लगाने हैं बजट में, जब तक वो खबर नहीं आई थी तब तक मैं खुद बोल रहा था कि जब भी आपको 2500 पे मिल जाए तब भी स्टॉक में एक स्टॉक में लगा देने का लॉन्ग टाइम के लिए। बट अभी तो स्टॉक 2400 पे है तब भी इसको इग्नोर करो। क्यों? क्योंकि ये जो स्टॉक इस प्रकार से एक तरफा गिर रहा है उसके बड़ी सबसे बड़ी रीजन है ये एफएनओ ट्रेडिंग। जितने ज्यादा वॉल्यूम आएंगे, जितने ज्यादा एफएनओ में लोग ट्रेड करेंगे, उतने ज्यादा ब्रोकिंग कंपनी के साथ साथ ये एक्सचेंज वाली कंपनियां भी बहुत अच्छे खासे कमाई करेंगे। और जैसे ये खबर निकल गया कि इस अपकमिंग बजट में इस एफएनओ ट्रेडर के ऊपर 30% के हायर टैक्स लगाया जा सकता है, तब से लेकर अभी तक इस BSE स्टॉक में हमें एक तरफा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, ये गिरावट कुछ भी नहीं है। अभी भी देखा जाए जो पुराने इन्वेस्टर है उनके पास कमाल के प्रॉफिट है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर एफएनओ ट्रेडिंग के ऊपर टैक्स लगाता है, कुछ भी नेगेटिव अपडेट निकल के आता है तो ब्रोकिंग कंपनी के साथ साथ ये एक्सचेंज वाली कंपनी भी बुरी तरह से कोलैप्स हो सकता है शॉर्ट टाइम के लिए। तो इसीलिए फ्रेज बाइंग करने के बारे में सोच रहे हो तो डिस्काउंट है, अच्छी बात है, अच्छी कंपनी लॉन्ग टाइम में अच्छे करेंगे, बट शॉर्ट टाइम में बहुत बड़े इम्पैक्ट भी आगे और भी आ सकता है। तो और कुछ ही दिन की बात है, शायद से 20 जुलाई के आसपास आपको बजट देखने को मिल जाएगा। तब तक रुक जाओ, बजट को क्लियर होने दो, उसके बाद बजट जैसे क्लियर हो जाए आराम से इसके बारे में फ्रेश इंट्री लेने हो या फिर एवरेज करना हो या फिर एग्जिट करना हो, आराम से इसके बारे में आप हमें डिस्कस आप कर सकते हो। बाकी कंपनी अच्छी है, कंपनी कोई खत्म नहीं होगा, टाइम लग सकता है, बट लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको जरूर कम बैक करते आपको देखने को मिल सकता है। आखिरी स्टॉक की बात करें तो CDSL लिमिटेड। सो CDSL की बात करें, इन तीनों स्टॉकों में से देखा जाए अगर किसी स्टॉक में इन सीबी के इस नेगेटिव न्यूज के चलते अगर किसी में सबसे कम इम्पैक्ट आएगा तो वो CDSL लिमिटेड, क्योंकि एक डिपॉजिटरी है तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट ट्रेडिंग के चलते ज्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, जिनके चलते आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि बाकी स्टॉक किस प्रकार से जोरदार गिर रहे हैं बट ये स्टॉक में उस प्रकार की गिरावट है नहीं। हाँ, बाकी 5 दिन में स्टॉक गिरा है 5% और इसके पीछे का रीजन है कि छोटे मोटे प्रॉफिट हुए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि 2-4 दिन में स्टॉक ने रॉकेट की तरह 2000 के लेवल से 2500 तक की इसने रैली दिखाई, क्योंकि कंपनी ने बोनस अनाउंसमेंट किया। उसके बाद जिन्होंने भी बोनस के चलते स्टॉक को बॉटम पे खरीदा तो बोनस डिक्लेयर कर दिया, तो अपना शॉर्ट टर्म वाले जो है जिन्होंने ट्रेडिंग के हिसाब से एंटर किया था वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बाकी CDSL की बात करें, इनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कंपनी के क्वार्टर 1 के नंबर।
क्योंकि जिस प्रकार के मोमेंटम स्टॉक में बना हुआ है, अभी तो इसने 2500 को भी उस दिन ब्रेकआउट दिया गया था, बट जिस प्रकार के खबर सेबी की साइड से निकल गया है, लेकिन आपको पता है अगर ब्रोकिंग कंपनी के लिए और एक्सचेंज वाली कंपनी के लिए अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज होता है तो इस सीडीएसएल कंपनी को भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो जरूर होगा, क्योंकि ये सारी कंपनी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होता है। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मोमेंटम स्टॉक में बना हुआ है एक पॉजिटिव मोमेंटम, तो इसी बीच में नंबर भी थोड़े बहुत एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। ऊपर से मार्केट हर हफ्ते एक न्यू हाई अचीव करते जा रहे हैं, तो लोग बाजार में लगातार जुड़ते जा रहे हैं। वो डेटा मैंने अभी आपको देखा है एंजिनॉन में, इसी मंथ में सिर्फ और सिर्फ एंजिनॉन के थ्रू लगभग 10 लाख लोगों ने डीमेट अकाउंट ओपन किया, सिर्फ एंजिनॉन के थ्रू। तो जितने ज्यादा लोग मार्केट में एंटर करेंगे, जितने ज्यादा डीमेट अकाउंट ओपन होगा, उतने ज्यादा ये डिपॉजिटरी वाले अच्छे खासे कमाई करेंगे। तो उम्मीद है कि इसके भी जो जून के नंबर रहेंगे वो मार्च से भी बेटर हो। तो देखते हैं, याली तो अच्छे आना चाहिए। अगर इसने क्वार्टली भी एक अच्छे नंबर दिखा दे तो डेफिनेट जो 2500 के लेवल को ब्रेक करने के बाद, मतलब टच करने के बाद जो स्टॉक ने एक तरफा गिरावट दिखाया, फिर से कम बैक आएगा, उसके बाद 2500 को ब्रेकआउट देगा, देन जो हम अभी तक सोच रहे हैं कि स्टॉक 3000 3200 3500 जाएगा, उसके बाद यहाँ से कोई बहुत बड़े मूव देखने को मिल सकते।